I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. लेकिन लाखों खर्च करने का फायदा सिर्फ तब है जब गौरव खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहे। Voice of the year, 50 lakhs. क्या अफ्रीका जाना चाहता है? मगर क्यों? क्योंकि अफ्रीका यहां से और जोजो से बहुत दूर है। भाग रहे हो बेटा? काश भाग सकता, सिर्फ दूर जा रहा हूं। डैड प्लीज गिव मी द पासपोर्ट एंड द टिकट। नहीं सनी, इसकी जरूरत। डैड प्लीज लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस। ओ इसका तो इशक के चक्कर में फ्यूज उड़ गया है। तेरे दिमाग को क्या लकवा मार गया है गट्टू? देखो धर्म चाचा, ये बार बार गट्टू बोलूंगा, गट्टू 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 गट्टू, आज तक दिमाग का गट्टू। लड़की इसे छोड़े जा रही है, ये मुल्क छोड़े जा रहा है और आप मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। तो ठीक है, बिना मेरे नाम के ये पैसे कैसे कमाए, चलिए बताइए। बताता हूँ। ओ देखो, और कुछ करे या ना करे, लेकिन साडा शेर गाना बड़ा अच्छा गाता है। ओ बचपन में रोता भी बड़े सुर में था। ओ दंद ना काट, अपनी माँ पर गया है, तेरे पे नहीं। धर्म चाचा तो गाना, धर्म चाचा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं। ओ दिमाग ते थोड़ा ज्यादा जोर दोगे ना तो सोचोगे भी पुत्र जी। ओ शहर में हर जगह बड़े बड़े नोटिस लगे हुए हैं, ओ गवैयों का कोई बहुत बड़ा अखाड़ा है, बड़ी तगड़ी कुश्ती होने वाली है गाने की, और जीतने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम और साथ में वो क्या होता है गाने का, वो सीडी। हाँ सीडी, और इस सीडी को अपनी मोहब्बत की सीडी बना दे। देख पुत्र, तूने कभी मेडल के लिए गाया है और कभी कप के लिए, इस बार अपनी मोहब्बत के लिए गा दे। हाँ हाँ, शो को मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, फिर जजेस कौन कौन है इसका पता लगा लेते हैं और फिर जजेस को खरीद लेते हैं। नहीं, ओके ओके ओके, फॉरगेट इट। डैड इस बार मैं आपको बैसाखी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ये पासपोर्ट और टिकट संभाल के रखिए, कंपटीशन के बाद तय करेंगे कि इसको इस्तेमाल करना है या नहीं। सनी शाबाश पुत्र। सुन, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मगर जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद को तुमसे दूर कर ले उसकी कुर्बानी की कोई कदर है या नहीं? क्रिश जाओ, वापस लाओ उसे, कुछ करो। क्या करूं? हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगी, शायद मुझ पे कभी भरोसा भी नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम गा सकते हो। अच्छा, आपके अलावा किसी और को एहसास ही नहीं होता? एक बहुत बड़े गाने के कंपटीशन की तैयारी हो रही है, लाखों रुपए का इनाम है, जीतने पर गाने का कैसेट भी रिकॉर्ड होगा। तुम वहां गाओगे, सारा मुल्क सुनेगा, शायद रक्षा भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे जीतना पड़ेगा, और फिलहाल जीतना तो दूर, मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले पाऊंगा इसका भी मुझे भरोसा नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी एंट्री को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्यों? क्योंकि मैं रक्षा का पति हूं। रक्षा ने तो नहीं भेजा आपको मेरे पास? नो यू ब्लडी इडियट नो। इससे पहले कि किसी ने रक्षा को सुना हो, मैंने तुमको नौकरी दी थी तुम्हारा गाना सुनकर। उस वक्त रक्षा सिर्फ तुम्हारी बीवी थी। चोरों की तरह चुपचाप तेरे अंदर ये अभिमान कब घुसा है रे? हैं? तुमने अपनी बीवी की कामयाबी की जिद तो की, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, उसे हमेशा धकेलते रहे कभी कामयाबी की तरफ और अब
अकेलेपन की तरफ। सपने पूरे करना चाहते हो तो जागना सीखो, और अगर खुद पर यकीन नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के यकीन को दया समझकर गाली मत दो। क्रिश, उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें न किसी इजाजत की जरूरत है न किसी सिफारिश की। और अब ऋतिक मित्तल के बाद आने वाले हैं कंटेस्टेंट नंबर 19, क्रिश कुमार। ये मुंबई के रहने वाले हैं और म्यूजिक की दुनिया में ही अपना नाम कमाना चाहते हैं। सो हियर ही कम्स, क्रिश कुमार। आज ये गीत मैं सिर्फ मुकाबले के लिए नहीं गा रहा, ये गीत मैं उसके लिए गा रहा हूं जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं, रक्षा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे सुन सकती हो। That you're listening to me. मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें खुद से अलग समझा, भूल गया कि प्यार दो लोगों को एक करता है, अलग नहीं। रक्षा, मैं तुम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुमने कहा था कि जब भी मैं तुम्हें अपने दिल से पुकारूंगा तुम लौट आओगी। झलक हमने देख भी ली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे आज की शाम के आखिरी कंटेस्टेंट, मेक वे फॉर मिस्टर देवदर्शन सूरी। आज ये गीत मैं अकेला नहीं गाना चाहता, आज मुझे एक आवाज से सुर चाहिए और एक जिस्म से बैसाखियां। शैल वी, माय फ्रेंड, आज की शाम का सफर अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। तुम लोग कहां जा रहे हो? घोड़े नहीं होते कि उन्हें मुकाबले की चोटी पर तोला जाए। रिजल्ट्स का इंतजार तुम लोग करो, मुझे तो मेरा नाम मिल चुका है। जेता चुनने का दस्तूर है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। चलें। आज के कॉन्टेस्ट का विनर चुन लिया है, द पास पास वॉइस ऑफ द ईयर। प्लीज ऋतिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज क्रिश कुमार। You did it. Congrats. Thanks. Excuse me. Dad. अरे सनी, पुत्र। मेरे नसीब में शायद अफ्रीका ही लिखा है। अरे सनी, it's okay. Nothing doing, Dad. Just give me the ticket. नहीं, give me the ticket. नहीं, सनी, जाने की जरूरत नहीं। I'll see you at the airport, Dad. सनी, सॉरी, एक्सक्यूज मी,
सॉरी, मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही। देखा, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, मगर तुमने उस रास्ते पर कदम रखा, यही मेरे लिए काफी है। चोचो। यस, तुम जीत गए रहते, तुम जीत गए। क्या? उधर देख, वो देख, जसविंदर ते ऋतिक। Come on everybody, let's give him a big hand. Congratulations, Krish. और ये रहा आपका 50 लाख रुपए का चेक। All right, yeah. आजकल के जमाने में अगर कुछ कहे बगैर अचानक कोई धमाका हो जाता है तो दिल थम सा जाता है। और आज की शाम मेरी जिंदगी में 3-3 धमाके हुए हैं। एक ये, एक ये और एक वो। क्या है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है और मेरे लिए एक वही धमाका काफी है। आई लव यू। आज हम सब ने अपने आप के लिए गाया, खुद के लिए गाया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए गाया, और एक अजीब और गरीब तरीके से मेरी इस कामयाबी के भी जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि आज मुझसे ज्यादा इस इनाम के सही हकदार वो हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, मिस्टर देव दर्शन सूरे। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.